वेलकम अगेन फ्रेंड्स। हेलो 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 हेलो। सो फ्रेंड्स अगेन वेलकम। लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 9। ओके, इफ ई ए विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डायपोल एट अ पॉइंट on its axial line, EA, axial, and EE, that on the equatorial line, EE will be on equatorial line, a simple ekdam, 2 minute ka, at the same distance, distance is same, R is same. तो उन्होंने आपको ये दिया है, उसमें इक्वालिटी ए दिया है, उनको आपको रिलेशन दिया है, आपको देखना है। अभी इसका फॉर्मूला लिखो, एक्सियल का कितना है, मेरे ख्याल से 2p अपॉन है ना, पी अपॉन 4π ε0 आर क्यूब, और इक्वेटोरियल का कितना है 2p, तो हो गया, कुछ भी नहीं इसमें, 4π ε0 आर क्यूब इक्वेटोरियल 2p अपॉन 4π ε0 आर क्यूब। तो अभी इसमें से देखो, अभी ई ए, ये 2EE है, तो ऑप्शन में आपको दिया है ना, सो ऑप्शन ए आएगा आपका, देखो जरा, ऑप्शन ए विल कम। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, इसको देखने का ज़्यादा जरूरत नहीं। और प्रॉब्लम नंबर 10 वो आपको दिया नहीं है मैंने, वो लिख के लो जरा, मैं लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, आप लिख के लो और बाद में हम सॉल्व करें। वो मैं देना भूल गया था, एक ही है वो, एक ही पेज पे है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन द स्नैप। ओके, ओके, लिख दो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट due to an electric dipole will be minimum and maximum when the angles between axis of the dipole, इसका थोड़ा सा चार्जिंग कम हो गया तो इसका थोड़ा सा आवाज निकलने का, axis of the dipole and the line joining the point to the dipole respectively, ऑप्शन दिया है 90 degree एंड 180 degree, बी दिया है 0 degree एंड 90 degree, सी दिया है 90 degree एंड 0 degree, और डी दिया है 0 degree एंड 180 degree। ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका क्या है ये लिख लिया आपने, लिखो पहले, यू डू दैट टिल आई विल हैव वाटर। ओके, सो अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है आपका, V इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, तभी कॉस थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ओके, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एक मिनिमम में -1 आना चाहिए, मैक्सिमम में 0 आना चाहिए,
जीरो कब आता है, सॉरी मैं जीरो क्या बोल रहा हूँ, वन आना चाहिए, सॉरी। हाँ तो कॉस जीरो वन आता है, मतलब जीरो, तो जीरो सब में है, ये दोनों में है, अगर ये और ये। अभी कॉस कितना माइनस वन आता है, कॉस पाई माइनस वन आता है, तो ये पाई, तो ये नहीं बन जाएगा, ये आएगा, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके कर लिया बेटा। ओके नाउ लेट मी टेल यू, आफ्टर दिस शीट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया है, तो हर एक दिन को मैं आपको 10-20 प्रॉब्लम देता जाऊंगा, है ना। सो आई हैव डिवाइडेड द वर्क, ओके, सो दिस इज वन वर्क दैट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन द बोर्ड। इसके साथ साथ विथ दिस यू हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। तो आप सब ने आई होप एनसीईआरटी आपके पास होगा, अगर नहीं है तो स्कूल से लेके आओ आप, अभी फैसिलिटी है, 2-3 दिन अभी चालू है, बीच में जिनको बुक्स लेना है वो ले लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी के वेबसाइट पे भी है, उधर से आप ले सकते हो। अभी आपको क्या करना है, मैं थोड़ा आपको प्लान करके देता हूँ ये 10-15 दिन के लिए। तो आपको पहले करना है, पहला जॉब आपका, मतलब ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, 1 और 2। तो अभी मैं तो 2 से चालू किया हूँ, 2 के लिए फिर से बता दो, 1 का तो आप स्टडी चालू रखो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। लेकिन 2 के लिए आपको क्या करना है, देखो अगर आपके पास सब वीडियो लेक्चर है तो वो देखते जाओ, अगर नहीं है तो उसका लिंक वगैरह मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स आर देयर ऑन यूट्यूब, सो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विल बी देयर फॉर द लेक्चर्स व्हिच आई हैव अपलोडेड डायरेक्टली ऑन द व्हाट्सएप, बट आई डू हैव दोज ऑल लेक्चर्स, सो इफ यू वॉन्ट अ लेक्चर डोंट गिव मी द नेम ऑफ लेक्चर, नो, यू रिकॉल ऑन विच डे इट वॉज, मेरे पीसी पे डेट वाइज है, मैंने ऐसा ऊपर नहीं दिखाई, हाँ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है ये इसका, नहीं, मेरे पीसी पे वो डेट वाइज रखा है, मैंने सब वीडियो रखा है, कॉम्प्रेस क्वालिटी रखा है, फर्दर कॉम्प्रेस करके भी रखा है, किसी को चाहिए तो ले लो, और बाद में तो यूट्यूब पे सब सेट है, कुछ कुछ वीडियो वो मेरे चैनल पे है, बाद में मैंने स्कूल के चैनल पे अपलोड करना चालू किया, लेकिन आपके लिए वो लिंक दैट इज सफिशियंट, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2 के लिए, 2 के लिए बता दो आप, पहले आप एनसीईआरटी को रीड करो, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेता हूँ, एनसीईआरटी यू जस्ट रीड एनसीईआरटी, हाउ मेनी टाइम्स यू टू रीड, डू यू नो, एटलीस्ट 5 times दैट टॉपिक, हाँ दैट टॉपिक 5 times, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, आपको वो सब मीनिंग निकाल के लेना है उसमें से, व्हाट दे आर टेलिंग, सो इन बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो यू हैव टू रीड, मीन्स यू हैव टू थिंक, हाँ इट इज लाइक दैट। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो इमिडिएटली आस्क ऑन द व्हाट्सएप, आई विल गिव यू द आंसर, नो प्रॉब्लम, दिस इज लाइक दिस, दिस इज दिस, ऑडियो भेजता हूँ मैं 2 मिनट करके तो देखो एक बार, सर से बात करके तो देखो, हाँ इतना भी बुरा नहीं हूँ, बात करता हूँ, आंसर भी देता हूँ, नहीं है तो बोलता हूँ मैं थोड़े दिन में, 2-3 घंटे बाद बताता हूँ, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो आप अप्रोच होके तो देखो सर को, और मैं ऐसा कैसे, ये ऐसा नहीं हूँ ना, मैं आई एम स्कोल्डिंग यू, नो नथिंग लाइक दैट ना, यू मस्ट बी विलिंग टू डू दैट, हाँ बेटा, तो उसमें से आप अपने डाउट वगैरह निकालो। सेकेंड चीज़ क्या है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है पहले 2 लेक्चर का और ये मिला के मेरा तो एक्चुअल टाइम ख़त्म हो गया है, तो बाद में बाकी भी टीचर्स है वो बोलेंगे अरे मराठे सर क्या चल रहा है, तो ये थोड़ा हल्का हल्का बता दो आपको, ये व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो डाउट रीडिंग करने के 5 times। उसके बाद में इन टेक्स्ट ये आपको करना ही करना है 100%, आपकी बोर्ड की एग्जाम में इन टेक्स्ट के डायरेक्ट प्रॉब्लम आपको आते हैं, बोर्ड टाइम्स मेनी टाइम्स दे कम डायरेक्टली इन टेक्स्ट, आपको करना है। नंबर 3 चैप्टर एक्सरसाइज,
exercise and additional problems. और आपको अगर हो सके मिल सके अगर हो पाएगा आपसे तो NCERT exemplar ये PDF मिलता है, उसको सॉल्व करो इस टॉपिक के। अगर नहीं है तो एक बाद में मैं आपके लिए वो डाउनलोड करके रखूँगा, लेकिन किसी से आप ले लो, आपके इतने फ्रेंड्स से उनके पास से ले लो, इतना करो। और ऑफ कोर्स आई विल सजेस्ट यू विथ दिस यू ऑल ट्राई अ गुड प्रैक्टिस फॉर द CET ऑल्सो। ये सब किया तो CET मतलब ऐसे ऐसे यू निकल जाएगा। और अगर आपने CET में भी अच्छा स्कोर किया तो भी आपका हो सकता है सिलेक्शन। समझ गया बेटा, JEE के साथ साथ CET का भी पढ़ाई करो। थैंक्स अ लॉट, विश यू बेस्ट लक। ओके, आई कंक्लूड हियर, आई कॉल इट एज अ डे टुडे।